बरेली में सुभाष नगर थाना क्षेत्र की विष्णु विहार कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में टैक्सी ड्राइवर का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। मृतक संजय गुप्ता के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि संजय की पत्नी ने उसकी हत्या कराई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल सुभाष नगर थाना क्षेत्र के विष्णु विहार कॉलोनी में किराए के मकान में टैक्सी ड्राइवर संजय गुप्ता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफी दिनों से रह रहा था। वहीं बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए, जिस पर परिजनों ने पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बदायूं के टिकैतगंज के रहने वाले मृतक संजय के बहनोई दिनेश चंद गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसके साले की हत्या की गई। संजय की पत्नी ज्योति ने ही किसी के साथ मिलकर हत्या की है। मृतक के भाई धर्मपाल गुप्ता का कहना है कि संजय की पत्नी के एक मुस्लिम के साथ अवैध संबंध थे और वो दो बार उसके साथ भाग चुकी है। ज्योति ने ही संजय की हत्या करवाई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल सकेगी। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पूरी बताइए, क्या नाम क्या है? अब्बास जो अब्बास नाम है उसका। दो बार भाग भी चुकी है उसके बाद। यूपी 112 के माध्यम से आज दिनांक 2/6/2022 को समय प्रातः लगभग 7 बजे पुलिस को एक सूचना मिली। उक्त सूचना पर थाना सुभाष नगर की फोर्स वैष्णो धाम कोंडली पहुंची तो वाकयात इस प्रकार बताया गया कि एक व्यक्ति जिनका नाम संजय गुप्ता है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के हैं, वो मृत अवस्था में अपने छत पे तकिए पे पड़े हुए थे और उनके शरीर पे कुछ जहरीले चोट के निशान थे। उनके जो बहनोई हैं दिनेश चंद गुप्ता, उनके द्वारा थाना सुभाष नगर पर एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो मृतक है उनकी पत्नी और एक उनके अन्य साथी के द्वारा इस घटना को खारिज किया गया, ऐसा उन्होंने इस तहरीर में बताया है। उस तहरीर के आधार पर थाना सुभाष नगर का 302 ITC का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में जो चीज़ें आएंगी और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मौके पर फील्ड लिमिट की टीम भी बुलाई गई थी, वो भी घटनास्थल का सूक्ष्म और गहनता से उसका अवलोकन कर लिया गया है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।